ये धंधे का पहला उसूल है कि पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो और फिर प्रचार करो। अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर आप लगाओगे खोलोगे और आप अपेक्षा करोगे कि धनवंतरी से आपको पैसा आना चाहिए, ये पॉसिबल है क्या? आप लगाओगे दूसरा साबन और धनवंतरी का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करोगे और सोचोगे पैसा आएगा, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं होता दोस्तों। रतन टाटा मारुति की गाड़ी चलेगा तो चलेगा, चलेगा। उसी तरह ये धंधे के रतन टाटा कौन है? आप लोग हो। ये धंधे का रतन टाटा आप लोग हो। ये कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट पहले 100% खुद इस्तेमाल करना चाहो, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद वो प्रोडक्ट के अंदर जो खूबियां है, वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो आपको पता चली है और उसके बाद आप वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों जो दिखता है वो बिकता है। आपके घर में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए जहां पे हर प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए। अभी घर पे कोई भी आदमी आएगा तो कहां पे बैठता है वो? हॉल में। हॉल में अगर सामने प्रोडक्ट दिखेगा वो क्या पूछेगा, ये क्या है? फिर आप क्या बोलोगे? सर बैठो 10 मिनट में आपको बताता हूं। अभी आप बताओ कि डॉक्टर के घर पे अगर हम लोग जाएंगे तो अपने लोग तुरंत पता चलता है कि हम लोग डॉक्टर के घर में है। वकील के घर पे जाएंगे तो तुरंत पता चलता है हम लोग वकील के घर का है। कैसे पता चलता है? घर का माहौल वैसा रहता है ना। उसके डॉक्टर रहेगा तो कोई स्टेटस के ऊपर लटका रहेगा, कोई उसका व्हाइट एप्रोन लगा रहेगा, दो चार दवाई की शीशी पड़ी होगी, कुछ बुक्स पड़े होंगे। वकील रहेगा तो उसका कोट रहेगा, बुक्स रहेंगे। तो उसी तरह हमारे घर पे अगर कोई आता है तो आप जो धंधा करते हो वो धंधे का सब प्रोडक्ट आपके घर पे होना चाहिए, क्योंकि घर पे कोई भी आदमी आएगा, बिकता उसी का है जो बोलता है, लेकिन बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। दोस्तों धनवंतरी पहली कंपनी है मार्केट में जो लोगों को बोलती कि झूठ बोल के कोई भी प्रोडक्ट बेचूंगा। जो प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है और प्रोडक्ट जिन चीजों के ऊपर काम कर रहा है वही लोगों के साथ आप बात करो और उसके साथ ये प्रोडक्ट शेयर करो। दोस्तों अभी देखो कि ये महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हमें बोलते कि सर आज तक हम लोगों ने कभी कोई बेचा नहीं। यहाँ पे आपको कोई ऐसा बोलता है? किसी के पास हम लोग अगर जाएंगे और उसको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट बेचना है तो लोग बोलते ना कि सर आज तक हमने कभी कुछ बेचा नहीं, या लोगों को बेचने में शर्म आता है। दोस्तों ऐसा कहते हैं, शर्म करके टू व्हीलर पे घूमने से अच्छा है, शर्म करके टू व्हीलर पे घूमने से अच्छा है बेशर्म होके फोर व्हीलर में घूमो। अभी ये सबको पहचान गया? कौन है ये? अमिताभ बच्चन। सदी का नायक उनको बोलते, पिछले 40 साल से आदमी बॉलीवुड में राज करता है। अभी आदमी क्या करता है? आपको सबसे पहले कौन बनेगा करोड़पति में बुलाता है और आपको पैसे जितवाता है। जब आपको पैसे आपके पास हो जाते हैं, जब आप पैसा जीतते हो, फिर आपको हाथ पकड़ के लेके जाता है कल्याण ज्वेलर्स में, बोलता है कि ज्वेलरी खरीदो। जब ज्वेलरी आप खरीदते हो कुछ दिन पहनते हो, फिर बोलते हैं ज्वेलरी घर में मत रखो, अभी डाका गिरने वाला गिरता है घर पे, तो इसको क्या करो मुथूट फाइनेंस में रख के उसके ऊपर पैसा ले लो। और ये पैसे से क्या करो? आप धंधा चालू करो। और धंधा चालू होने के बाद 2 महीने बाद 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? धंधा आपका घाटे में जाएगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा। चिंता मत करो, अभी भी मैं हूं, आप मेरे पास आ जाओ, मैं नवरत्न तेल से आपका चंपी कराता। सदी का नायक 1 रुपए का नवरत्न का पुड़ी बेच रहे हो। बॉलीवुड का किंग जिसको बोलते वो 5 रुपए का फेयर एंड हैंडसम का पुड़ी बेचता है। इंडिया का लीजेंड, ये भी बहुत प्यारा एडवर्टाइजमेंट है। ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से चीज का है? बालों का। और इसका पति देख लो। अभी आपने को पता है ये सारा सब प्रोडक्ट झूठ बोल के बेच रहे और पैसा कमा रहे, और आपके हाथ में प्रोडक्ट है जो लोगों की जान बचाने वाला प्रोडक्ट है, लोगों को पैसा कमा के देने वाला प्रोडक्ट है, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला प्रोडक्ट है। तो ऐसा प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने को शर्म आनी चाहिए कि प्राउड फीलिंग होना चाहिए? पक्का? तो दोस्तों आपके हाथ में बहुत जादुई प्रोडक्ट है, अमृत है वो लोगों के लिए, तो एक बहुत बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी आदमी का, इंसान का 1 सेकंड का भी अगर लाइफ बचा, 1 सेकंड का भी लाइफ अगर बढ़ गया तो बहुत ब्लेसिंग मिलेंगे दोस्तों, बहुत ब्लेसिंग मिलेंगे। तब अच्छे प्रोडक्ट के साथ हो। अभी बीच में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था आपके टूथपेस्ट में, नमक। मैंने बोला छोड़ो नमक है कि नहीं रहेगा तो घर का खाएंगे, लेकिन अपने टूथपेस्ट नहीं भी है वो चेक करते। फिर मैंने जब इसको स्टडी किया तो टीजी केयर में मेरे को पैसा दिखा, टीजी केयर में मेरे को गाड़ी दिखी, टीजी केयर में मेरे को बंगला दिखा, टीजी केयर में मेरे को फॉरेन ट्रिप दिखी, टीजी केयर में मेरे को बच्चों का एजुकेशन दिखा, टीजी केयर में मेरे को शॉपिंग दिखा, ये सब टीजी केयर में है दोस्तों।
सूजी का इस्तेमाल करोगे तो ये सब चीजें आपके लाइफ में आ सकती है, लेकिन नमक वाला पेस्ट यूज करेंगे तो इसमें से एक भी चीज आपके लाइफ में नहीं आ सकती। चलिए मधुरी से भी आपको उत्तर मिलेगा। दोस्तों आपके घर पे कोई भी आएगा तो सिर्फ एक ही चाय पत्ती पिलाना है। अभी मैं भी क्या करता हूँ, जब ड्राइविंग में होता हूँ तो धनवंतरी का चाय पत्ती का सैंजेट है, आप लोगों को शायद मिला होगा, या नहीं तो आप रमणी के सर के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो चाय पत्ती का सैंजेट मैं कैरी करता हूँ और मैं जिस भी होटल में जाता हूँ तो उसको वही चाय पत्ती उसको देता हूँ, बोलता इसी का चाय बना के लेना है। अगर मैं चाय पत्ती देता हूँ तो सामने से वो मेरे को पूछता है कि सर ये एक पत्ती में ऐसी क्या खास बात की आप कर रहे चाय पीते हो, तो मैं उसको बोलते दो मिनट बैठो मैं तेरे को समझा दे एक पत्ती में क्या है। अभी ऐसे में 100 लोगों को समझाता हूँ, 100 में से मान लो कि 20 लोग सुन के अनसुना कर देंगे, 20 लोग देखेंगे नहीं, लेकिन उसमें जो 40-50 लोग रहेंगे वो उसको सुनेंगे और उसमें से 10-20 लोग मेरे से प्रोडक्ट ले लेंगे और वही से एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको सेलिंग के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको लोगों के घर पे जाने के लिए। दोस्तों प्रोडक्ट जो बेचते हैं ये अलग अलग जगह का प्रोडक्ट बेच सकते हो, जैसे सुबह जिम करने वाले लोग, वॉकिंग करने वाले लोग, बहुत बड़े स्टेज स्टॉल रहते हैं, छोटे से गेट टूगेदर रहते हैं, बर्थडे के लिए आप उसको गिफ्टिंग कर सकते हो, स्कूल में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, ज्वेलरी के शॉप में, सोसाइटी में, और जितने भी प्रोफेशनल लोग रहते हैं वहां पे ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों ये प्रोडक्ट एक गेटवे है आप लोगों को उसके घर तक जाने का। अगर आप उसके घर में एक बार एंटर हो गए, कॉन्फिडेंस आपके बिल्ड हो गए, रिलेशन बन गए, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट उसको दे सकते हो, इसके लिए गेटवे बनाए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग मींस मीटिंग सीटिंग डिस्कशन, तीन ही चीजें होती है नेटवर्किंग में। सबसे पहले आपको नॉलेज लेना है, नॉलेज लेने के बाद आपका आ जाता है एक्शन और उसके बाद आ जाता है आपका रिजल्ट। तो नॉलेज ऐसे प्रोग्राम से आपको मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे नया आदमी जुड़ता है तो उसको आपको अलग अलग तरीके की सर्विस देना है, प्रोडक्ट के बारे में, क्लाइंट के बारे में, वेबसाइट के बारे में, ये बिजनेस में कैसे हम लोग आगे बढ़े, उसका ड्रीम बिल्डिंग का लिस्ट बनाना है, उसके सपनों के ऊपर काम करना है। अभी ये लोग बहुत रहेंगे, जानते हैं आप इन लोगों को, राय बहादुर या उनको रायचंद, ये नाम से लोग फेमस है। आपके रायपुर में है ये लोग, दो चार के ये हॉल में भी रहेंगे। अभी ये लोग क्या करते हैं, एक आदमी होता है उसका एक बहुत बड़ा मिठाई का शॉप होता है और उस शॉप के ऊपर एक बहुत प्यारा बोर्ड होता है कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है। अब ये रायचंद होते हैं या राय बहादुर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दुकान में आते हैं, मिठाई का वो बोर्ड देखते हैं और वो मालिक को बोलते हैं तूने यार बोर्ड गलत देखा, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है का मतलब क्या है, आदमी अगर यहां तक आ गया तो हमारे यहां लिखने का कोई फायदा नहीं। तो मालिक पूछता है क्या करना चाहिए, बोलते उसको हटा दो, फिर वो क्या करता है सौदा देता है, फिर क्या भाई जब ताजी मिठाइयां मिलती है, फिर और एक दिन और एक राय बहादुर आता है, वो क्या बोलता है यार तुमने बोर्ड गलत देखा, ताजी मिठाइयां मिलती है का क्या मतलब है, मिठाई बासी भी होती है क्या। फिर बोलता है क्या करना चाहिए, बोलता ताजी का हटा दो, अभी क्या बचा मिठाइयां मिलती है। और एक राय बहादुर आता है दुकान में आने का, मेरे को दो पेंट और दो शर्ट दे दो, वो मिठाई वाला बोलता है कि तेरे को दिखता नहीं क्या कि ये मिठाई का शॉप है, तो वो बोलता है कि फिर तूने लिखा क्यों कि मिठाइयां मिलती है, फिर क्या करना चाहिए, बोलता है मिठाइयां को हटा दो, अभी क्या बचा। और एक राय बहादुर आता है वो बोलता है क्या मिलती है, क्या करना चाहिए, इसको हटा दो, अभी बोर्ड एकदम चकाचक क्लीन बन गया। चार दिन बाद और एक राय बहादुर आता है, वो बोलते हैं तुमने इतना प्यारा दुकान डाला, दुकान के ऊपर बोर्ड बहुत प्यारा है, लेकिन सारे तुमने इसको खाली क्यों रखा, तू उसके ऊपर लिखता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है। ये लोग जो होते हैं ना वो ढोल की तरह होते हैं, दोनों तरफ से बजते हैं। दोस्तों इस जिंदगी में आपको क्या चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये स्टोरी भी आपको पता होगी कि एक गधे को लेके बाप और बच्चे जा रहे हैं, तो चौराहे पे कुछ दोस्त बैठे होते हैं, वो बोलते कि देख यार कितने मूर्ख लोग हैं, इनको गधे का इस्तेमाल करना नहीं आता। अगले चौराहे पे क्या करता है, पिताजी गधे पे बैठ जाते, बच्चा साथ में चलता है, थोड़े दूर जाते हैं तो दूसरे चौराहे पे और कुछ लोग बैठे होते हैं, वो बोलते देख एक गधे के ऊपर एक बूढ़ा गधा, इसको इतनी भी अकल नहीं कि नन्हे से बच्चे को चला रहा है। अगले चौराहे पे बच्चा खुद बैठ जाता है, बाप साथ में चलता है, फिर चार लोग खड़े होते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि यार बच्चा कितना मूर्ख है, अपने बुजुर्ग बाप को चला रहा है, इसको इतना भी आकल नहीं कि बाप को गधे पे बिठा जा रहा है, ये दोनों गधे पे नहीं बैठ सकते। फिर दोनों गधे पे बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर अगले चौराहे पे लोग कुछ लोग बोलते थे वो कितने पागल लोग हैं, एक नन्हे से गधे का जान ले लगी है लोग, उसके ऊपर दोनों बैठे, इन पे आप समझता नहीं, फिर वो लोग क्या करते गधे को उठा के चलते,
फिर लोग बोलते कि यार इनको गधे का इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि लोग क्या होते हैं, ढोल की तरह होते हैं, दोनों तरफ से बजते हैं। यहां से जाने के बाद दोस्तों लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में मैंने देखा कि जब भी मीटिंग में कोई मान लो आदमी बैठा है तो आदमी ताली इसलिए नहीं बजाता कि चाहे वो बड़े ओहदे पे रहेगा या जॉब कर रहा है, और उसके मन में आता है कि मेरा बाजू वाला क्या कहेगा। तो दोस्तों ये लाइफ आपका लाइफ है, अगर आपको कामयाब बनना है तो आप जिंदगी में क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पड़ोसी क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैंने जो छोटे बच्चे का आपको बताया कि कामयाब वही बना जो छोटे बच्चे की तरह होता है, जो लोगों से डरता नहीं, जो बेशर्म होकर काम करता है वही लोग।